ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो कनाडा में अब जो एसडीएस के नए रूल्स आएंगे उसका क्या अफेक्ट और साइड इफेक्ट होगा। पहली चीज़ तो ये है कि अभी तक जिस तरह से एसडीएस चल रहा था जिसमें आल सिक्स सीज था, अदर एग्जाम नहीं थे, अगर अब इसमें दो सिचुएशन है कि एक ये कि पीटी और आईडीपी की न्यूज सच निकलती है जिसके अंदर कनाडा एसडीएस के अंदर एक में 5.5 दो में 5.5 अलाउ कर देगा, पीटी ओवरऑल 60 से आपका एसडीएस हो जाएगी, टॉइफल से एसडीएस हो जाएगी। अगर ये ओवरऑल पे स्टोरी चलती है तो नंबर ऑफ फाइल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और नंबर ऑफ फाइल्स बढ़ने का मतलब यही है कि नंबर ऑफ सिर्फ रिफ्यूजल ही बढ़ेंगे, वीजा नहीं बढ़ेंगे, वीजा उतने ही इशू होंगे। कनाडा का कोटा 4 लाख का ही है, वो 4 लाख से ऊपर बढ़ के 6 लाख नहीं होने वाला है। तो होगा क्या, होगा ये कि एक्चुअली कुछ भी नॉन एसडीएस फिर उसके बाद रह ही नहीं जाएगा, उसके बाद जो भी होगा वो शायद सिर्फ एसडीएस ही बच गया, उसमें नॉन एसडीएस तो बचा ही नहीं। अगर 6 ओवरऑल पे चला गया तो फिर नॉन एसडीएस में कौन रह गया, और अगर पीटी 60 ओवरऑल पे बात चलेगी तो फिर नॉन एसडीएस में कौन रह गया, अगर टॉइफल 83 ओवरऑल पे बात चलेगी तो फिर नॉन एसडीएस में बचा क्या तो मतलब नॉन एसडीएस नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, ये तो सारा कुछ एसडीएस हो जाएगा। तो अगर ये सारा कुछ एसडीएस होता है तो जितनी नंबर ऑफ फाइल्स हैं वो तो बढ़कर हो जाएंगी डबल ऑलमोस्ट, और नतीजा क्या होगा, वीजा कम और रिफ्यूजल ज्यादा दिखेंगे, और दिखेंगे वीजे उतने आएंगे जितने आने हैं, 4 लाख जो आने हैं वो ऑलमोस्ट आएंगे ही आएंगे, बट मार्केट में देखने के लिए रिफ्यूजलें ज्यादा हो जाएंगी और वीजे कम दिखेंगे कंपेरेटिवली। सक्सेस रेट कहीं ना कहीं ड्रॉप होकर 50% के आसपास आ जाएगा, क्योंकि अभी क्या है कि नॉन एसडीएस में लगती है 100 फाइल, वीजा आता है 90 का, तो 90% सक्सेस रेट मिलता है। अब जब उसी के अंदर एसडीएस की फाइल और नॉन एसडीएस की फाइल एक ही पैकेट में चले जाएगी तो फिर रिफ्यूजल तो बढ़नी है, वीजा तो 8 लाख नहीं कर रहा कनाडा, तो ये जो मेस है ये हो सकती है आने वाले दिनों में। अब उसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्या रह जाएगा, उसके अंदर फिर यही इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका प्रोफाइल। जैसे दूसरी कंट्रीज वीज़ा इशू करती हैं, जैसे यूके करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया करता है, जिसके अंदर ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, फिर उसके अंदर क्या होता है, प्रोफाइल असेसमेंट के बेस पे वीज़ा आते हैं। और अगर आप कनाडा की पिछले साल 1.5 साल की हिस्ट्री को ट्रेस करोगे तो आप देखोगे कितने ही वीज़ास प्रोफाइल्स के कारण रिफ्यूज़ होने शुरू हो गए थे, बहुत सारे, खासकर वो बच्चे जिनके किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम होते थे वो फंस जाते थे, वो बच्चे जिनके फंड्स नहीं होते थे वो फंस जाते थे, जिनकी इनकम सही बार नहीं होती थी कई बार उनको रिफ्यूजल आते थे। तो ये एक सिचुएशन कनाडा ने क्रिएट की है, इससे जो मुझे लगता है भाई आने वाले दिनों में कनाडा ने तो ये सोचा कि भाई नॉन एसडीएस में भी हमें फाइलें प्रोसेस करनी पड़ती हैं, एसडीएस में भी फाइलें प्रोसेस करनी पड़ती हैं, पर ये बैरियर बनाने के कारण कई फाइलें बनने लगने से रह जाती हैं, बच्चे ऑस्ट्रेलिया की तरफ कर लेते हैं, यूके की तरफ कर लेते हैं, तो कम से कम फाइलें तो सारी लगने दो। अब सारी फाइलें लगने का फ़ायदा क्या है, सिर्फ कनाडा एम्बेसी का फ़ायदा होगा, वीज़ा अप्लाई होंगे, पैसे आएंगे, एम्बेसी फीसें जाएंगी, जीआईसी जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फीसें जाएंगी, फिर वापस आएंगी, सब फॉरेक्स की इनकम क्रिएट होगी। तो ये जो सिचुएशन है इसको कनाडा कैसे हैंडल करेगा ये आने वाले दिनों में देखना होगा, बट एक चीज़ श्योर हो चुकी है कि अगर ये चीज़ें हुई और नॉन एसडीएस नाम की चीज़ ख़त्म हो गई उसके बाद, या ऑलमोस्ट ख़त्म जैसी हो गई, तो उसके बाद भाई जो वीज़ा आएगा वो सिर्फ प्रोफाइल पे आएगा, और प्रोफाइल पे वीज़ा आने का मतलब कि जो सिचुएशन एक में 5.5 दो में 5.5 के साथ आज की डेट में है वो सिचुएशन वैसे की वैसे ही रह सकती है, सिर्फ जो हवा थी एक एसडीएस नॉन एसडीएस की वो बीच में से कट जाएगी और वीजा आपके प्रोफाइल पे आएंगे। सो कनाडा के लिए जो बच्चे अपनी फाइल से लगाना चाहते हैं वो 10 अगस्त तक इन रूल्स को अच्छे से ज़रूर समझें, अपना कंसल्टेंट अच्छे से ज़रूर चूज करें अपने प्रोफाइल को लेके। ये नहीं है कि आपका एक में 5.5 में एसडीएस में आ गया तो अब आपको अच्छी एसओपी की ज़रूरत नहीं है, अच्छे एजेंट की ज़रूरत नहीं है, फाइल लगा दो वीज़ा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो यू नीड टू वेरी मच प्रिपेयर्ड, यू नीड टू वेरी मच बॉदर्ड अबाउट योर कोर्स सिलेक्शन, कॉलेज सिलेक्शन, अबाउट योर एसओपी, अबाउट योर इनकम एंड फाइनेंशियल सिनेरियो, इन सब चीज़ों को लेके आपको पहले से भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा।
आगे भी इस चैनल के जरिए लेटेस्ट अपडेट मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। चैनल के जरिए कोशिश है आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और इन्फॉर्म्ड करने की। कनाडा की एप्लीकेशन आप ब्रॉडवे से चलाते हैं तो टेंशन फ्री हो जाओ, ना आपको देना है कोई पैसा वीजा से पहले और ना कोई पैसा वीजा के बाद, मतलब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेसिंग। सो यूके इस समय स्टडी वीजा तो डेफिनेटली धड़ाधड़ चल रहे हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, वो अपने प्रोसेस को फास्ट कर लें, मेरी खास रिक्वेस्ट रहेगी। बिकॉज अगले कुछ ही दिन सिर्फ यूके की एप्लीकेशन सितंबर इनटेक के लिए जा सकती हैं, और उसके बाद स्पाउस जनवरी इनटेक से बिल्कुल नहीं जा पाएगा। सो बेटर है टाइमली अप्लाई कर लो। ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली सबसे बड़ा बेनिफिट पैसे देने वीजा के बाद। दूसरी आज मैं आपसे जो इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, दैट इज टायर टू वर्क परमिट, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें किन चीजों का ध्यान रखें, क्या लेटेस्ट स्टेटस चल रहा है, सक्सेस रेट क्या चल रहा है। तो जो वर्क परमिट्स हैं दोस्तों, ये सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रही है टायर टू कैटेगरी, दैट इज इनटू केयर वर्क। केयर वर्क के अंदर तो बहुत ज्यादा शॉर्ट वैकेंसीज चल रही हैं, तो डेफिनेटली बहुत लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। सक्सेस रेट की बात करें वीजा को लेके, तो इट इज ऑलमोस्ट 99% और 100% भी कह सकते हो। और जो सक्सेस रेट है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, क्राइटेरिया क्या है वो मैं बता देता हूँ। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में हुई है, तो आपको किसी आईएलटीएस पीटी की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं या आपकी ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में नहीं हुई है, तो आपको यूके वीआई आईएलटीएस 5 बैंड ओवरऑल स्कोर अचीव करना होगा, तो आप ये टायर टू वीजा कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब बेसिक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट इसमें रहती है, चाहे आप केयर वर्क में जा रहे हैं और चाहे किसी और प्रोफेशन में जा रहे हैं, और प्रोफेशन टू प्रोफेशन एम्प्लॉयर की तरफ से डिमांड ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन केयर वर्क के अंदर मैं एक चीज बता दूं, जो लोग जा रहे हैं केयर वर्क के अंदर, वो एक चीज नोट कर लें कि केयर वर्क की 90% जो जॉब्स हैं वो डोर टू डोर सर्विस वाली हैं, और जिसके अंदर आपके पास गाड़ी और ड्राइविंग स्किल होना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे चले गए जिनके पास ये स्किल्स नहीं थी, या एम्प्लॉयर ने नहीं बताया या उनके एजेंट ने नहीं बताया, फिर वहां पर जाकर डेफिनेटली उनको जॉब में प्रॉब्लम आएगी आएगी। सो अपनी ड्राइविंग स्किल के साथ ही टायर टू केयर वर्क के अंदर अप्लाई करें, दैट इज वेरी मच स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड, अदरवाइज आप वहां जाकर ट्रबल फेस कर सकते हैं। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करते रहेंगे। जो लोग टायर टू एप्लीकेशंस चलाना चाहते हैं, एम्बेसी में लगाना चाहते हैं, वो ब्रॉडवे टीम से मिल सकते हैं और निश्चिंत और बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।